हेलो फ्रेंड्स, आपने जो है ग्लूरोड एप्लीकेशन पर कोई ऑर्डर जो है रिटर्न कर दिया है, उसका पैसा लेकिन अभी तक आपको नहीं मिला है और स्टेटस आपका जो है कम्प्लीटेड शो हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप लोगों ने जो है बहुत सारी ट्रिक को अप्लाई कर लिया होगा अभी तक, लेकिन आपका जो है पैसा अभी तक रिफंड नहीं आया होगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे आपको जो है ईमेल करना है या फिर ईमेल के अलावा आपको क्या क्या करना पड़ेगा जिससे आपका पैसा आ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई सवाल या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह से शॉपिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने जो है अपना पार्सल रिटर्न कर दिया है, आपका पार्सल जो है डिलीवरी बॉय आके लेके चला गया है, कई दिन बीत चुके हैं लेकिन फिर भी आपका जो है पैसा वापस नहीं आया है और आपका जो है स्टेटस जो है रिफंडेड यहाँ पे शो हो रहा है। आप लोग देख सकते हो इस तरह से रिफंडेड ऑप्शन शो हो रहा है लेकिन आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया है। आपने जो है कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट किया लेकिन वहाँ पे कोई अच्छा सलूशन आपको नहीं मिला कि आपका पैसा किस तरह से वापस आएगा। वो बोलते हैं कि आप हमें ईमेल करिए, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरह से ईमेल करना है, लेकिन ईमेल करने से पहले आपको क्या क्या सेटिंग करनी है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 90% चांस है कि आपका जो है रिफंड का पैसा वापस नहीं आया है, वापस आ जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, जो भी स्टेप बताता हूँ उसको फॉलो करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर वन में सबसे पहले जो है आपको ग्लूरोड एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ग्लूरोड एप्लीकेशन ओपन करने के बाद नीचे माई अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है माई बैंक डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स में कुछ मिस हो रहा है, यहाँ पे आप लोग जो है एक बार अपने बैंक डिटेल्स को अपडेट कर दीजिए। तो अगर आपको एकदम से कंफर्म है कि हाँ मेरा जो है बैंक डिटेल्स एकदम सही है, फिर भी आप जो है यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ जो है अपना यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ यहाँ पर फिर से डाल दीजिए। इसके बाद इसको डालने के बाद यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे ये काम सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे देना है। जिस भी ईमेल से आपको मेल करना है वो वाला मेल यहाँ पे होना चाहिए। आप जो भी ईमेल यूज़ करते हो उसको यहाँ पे डाल देना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप अगर आपने अभी तक नहीं डाला है तो यहाँ पे डाल के अपडेट कर दीजिए, तभी आप जो है ईमेल करिएगा। फिर यहाँ पे अपडेट करने के बाद बैक आ जाना है। आपका स्टेप नंबर वन कम्प्लीट हो गया। स्टेप नंबर टू में हम जो है जिस ईमेल पे हमको मेल करना है वो वाला जो है ईमेल आईडी निकालेंगे, जो भी ग्लूरोड की ऑफिशियल ईमेल आईडी है। तो माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे नीचे, इसके बाद जो है माय ऑर्डर्स के ऑप्शन पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद आपने जो भी ऑर्डर रिटर्न किया उस पे क्लिक करेंगे जिसका पैसा नहीं आया अभी तक। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सबसे नीचे आप लोग देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक ईमेल देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसी पे हमको जो है मेल करना है। तो मेल में क्या क्या लिखना है मैं आपको शेयर करता हूँ। तो इस मेल पे हमको मेल करना है, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए मैंने इसको जो है नोट कर लिया है। तो चलिए अपना जो है ईमेल ओपन कर लेते हैं। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम जीमेल ओपन करेंगे। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पर कंपोज पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है मेरी ईमेल आईडी ऊपर यहाँ पर आपको शो होगी, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी से होगी। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको ग्लूरोड वाली ईमेल आईडी डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको डाल देना है care@glurod.com। तो यहाँ पे मैंने जो है ग्लूरोड वाली जो है जो भी हेल्प वाली ईमेल आईडी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या डालना है आपको, तो सब्जेक्ट में आपको जो है एक आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आपको जो है ओपन कर लेना है। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो यही सारी चीज़ें उसमें डालना है। तो किस तरह से डालना है, क्या क्या इसमें अभी आपको जो है एडिट करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट उसमें डालना है, तो सब्जेक्ट वाला यहाँ पे हम ये वाला कॉपी करेंगे। इसकी लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सब्जेक्ट हम यहाँ तक कॉपी करेंगे, यहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके नीचे ये वाला हम कॉपी करेंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद हम अपने ईमेल में जाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट में जो है हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो रिफंड स्टेटस कंप्लीट बट मनी नॉट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, यानी कि मेरा जो है रिफंड स्टेटस कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका पैसा जो है मेरे अकाउंट में नहीं आया हुआ है। इसका हिंदी में भी यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जब आप सबसे नीचे जाएंगे यहाँ पे तो इसमें जो भी लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसका हिंदी अनुवाद भी है, तो यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हो अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे। लेकिन मैसेज आपको जो है इंग्लिश में ही करना है। अगर कोई ईमेल वापस आता है तो आप गूगल ट्रांसलेट करके उसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो है पहले नंबर पे ये डाल देना है। सेकंड नंबर पे क्या करना है आपको, यहाँ से कॉपी करना है जहाँ पे डेयर कस्टमर लिखा हुआ है। तो डेयर कस्टमर जहाँ तक लिखा हुआ है पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ पे नीचे तक। चलिए थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करते हैं।
ये इंग्लिश वाला पूरा कॉपी कर लेना है आपको, यहाँ तक कॉपी कर लेना है आपको, योर कॉन्टैक्ट नंबर तक कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको जो है यहाँ पे कंपोज मेल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। थोड़ा देर यहाँ पे क्लिक करें रहेंगे, उसके बाद पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सारा का सारा जो है आ चुका है। फिर इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे कि इंसर्ट डेट। तो यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट डेट के ऑप्शन पे जब आपका स्टेटस कंप्लीट हुआ था तो वो वाली डेट यहाँ पे हम डाल देंगे। तो चलिए गुलरॉड एप्लीकेशन में चलते हैं। गुलरॉड एप्लीकेशन ये रहा, तो आपको बैक करना है, अपने ऑर्डर पे आ जाना है। तो ये रहा मेरा ऑर्डर। तो यहाँ पे मेरा जो है रिफ़ंड का स्टेटस जो है आप लोग देख सकते हो, मार्च 6, 2023 को जो है कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पे वही डालना है आपको। तो यहाँ पे जो है इंसर्ट डेट, यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर, यहाँ पे एडिट करना है, इसको कर देना है। तो यहाँ पे 3 मार्च 2023 को मुझे जो है रिफ़ंड मेरा जो है स्टेटस कंप्लीट हुआ था, लेकिन पैसा नहीं आया है। तो यहाँ पे इसको डाल देना है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे क्या डालना है, तो यहाँ पे इंसर्ट ऑर्डर आईडी डालना है। तो यहाँ पे हम इसको कट करेंगे, एडिट करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी जो है यहाँ पे देख लेते हैं। आपको गुलरॉड एप्लीकेशन सब कुछ मिल जाएगी, तो आपको अपनी ऑर्डर आईडी में यही फिल करना है, ये वाला चीज़ फिल करना है। तो ऑर्डर आईडी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो है 10 59 33 413। तो यहाँ पे इसको यहाँ से कट करेंगे हम, जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट हटा देंगे, यहाँ पे ऑर्डर आईडी रहेगा। वीडियो को आप रोक रोक के देख लीजिए किस तरह से मैं डाल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके देखिएगा। फिर यहाँ पे मेरा ऑर्डर आईडी हो गया, मैंने डाल दिया है। इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना, यहाँ तक आपका जो है कम्प्लीट हो गया, यहाँ तक कम्प्लीट हो गया है। फिर चलिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। फिर से यहाँ पे आपको जो है यही ऑर्डर आईडी जो आपने यहाँ पे डाला हुआ है, जो आपने ये वाली ऑर्डर आईडी अभी फिल किया है, उसको यहाँ पे भी डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे भी डाल देते हैं वही ऑर्डर आईडी, ये ब्रैकेट वगैरह सब कुछ हटा देंगे हम। तो चलिए मैं टाइप कर देता हूँ 10 59। फिर इसके बाद आपका जो है अमाउंट कितना है, जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था, जो आपका पैसा नहीं आया है, वो यहाँ पे डाल देना है। इसको सब कुछ कट कर देना है। तो यहाँ पे अमाउंट मैं देख लेता हूँ कितना रुपया है मेरा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मुझे टोटल जो है फाइनल प्राइस जो है 250 रुपये का पड़ा था। आप जब इसी तरह से ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फाइनल कस्टमर प्राइस 250 रुपये। तो यही वाला आपको जो है डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 250 रुपये। फिर यहाँ पे आपको जो है वो वाली डेट डालना है जिस दिन आपका जो है स्टेटस कंप्लीट दिखा रहा है। फिर यहाँ पे इसको सब कुछ कट कर देना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से गुलरॉड एप्लीकेशन पे देखना है। तो यहाँ पे सब कुछ कट करने के बाद बैक करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिफंड स्टेटस जो है मेरा, थोड़ा ऊपर करते रहूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिफंड स्टेटस 6 मार्च को जो है मेरा कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पे हम 6 मार्च डालेंगे, 6 मार्च 2023। सॉरी फ्रेंड, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे भी 6 रहेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे थे, यहाँ पे जो है डाल देंगे रिफंड कंप्लीशन डेट। तो यहाँ पे जो है 6 मार्च डाल देता हूँ, जिस तारीख को आपका जो है रिफंड स्टेटस कंप्लीट हुआ था, यहाँ पे आपको डालना है। फिर यहाँ पे जो है पेमेंट मेथड में आपको सेलेक्ट करना है, आपने जो भी पेमेंट मेथड जो है यूज़ किया था, कैश ऑन डिलीवरी या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, तो आप इसको कैसे देंगे। क्योंकि आप जो है गुलरॉड एप्लीकेशन पे आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा प्रीपेड है, प्रीपेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑर्डर बुक करते समय ही पैसे जो है कटा दिए थे। अगर आपने जो है कैश ऑन डिलीवरी यानी कि ऑर्डर लेने के बाद पैसे दिए थे तो कैश ऑन डिलीवरी डालेंगे, तो मैंने जो है पहले ही पैसे दे दिए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रीपेड डालूँगा। तो यहाँ पे मैं जो है प्रीपेड डालूँगा,
अगर आपने जो है पहले ऑर्डर मंगाया फिर उसके बाद पैसे दिए हैं, यहाँ पे आप जो है कैश ऑन डिलीवरी डालेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको जो है ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ऊपर स्क्रॉल करना है, ऊपर स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको जो है आपने जो भी नाम डाला हुआ है उसमें आपका नाम डाल देना है। तो मेरा नाम यहाँ, आप अगर किसी और का कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसका नाम, यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपना ही बुक किया, अपना ही कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना जो है नाम डाल देता हूँ। अपना नाम डालने के बाद यहाँ पे योर गुलरॉड अकाउंट ईमेल, आपने जो ईमेल मैंने शुरू में बताया था स्टेप नंबर वन में जो ईमेल डाला है, जिस ईमेल से आप मेल कर रहे हैं वही ईमेल यहाँ पे आपको डालना है, नहीं ऐसा कि नहीं कोई दूसरा ईमेल आईडी डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल इस तरह से कुछ लिखेंगे और यहाँ पे आपको जो है अपना ईमेल आईडी डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। तो मैंने अपना ईमेल डाल दिया है। अब आपने जिस भी मोबाइल नंबर से अपना गुलरॉड अकाउंट बनाया है तो वो वाला जो है ईमेल आईडी डाल देना, जिस भी नंबर से आपने बुक किया था तो वो वाला नंबर यहाँ पे आपको जो फिल कर देना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे फिल कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हो मेरा सब कुछ जो है अच्छे से फिल हो गया है। अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, उसकी लिंक आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो और ये जो कुछ मैंने लिखा है इस पर, इसकी लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने सब कुछ जो है यहाँ पे फिल करके कंप्लीट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेंड वाले आइकन पे क्लिक करना है, इस सेंड वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और ये जो है ईमेल गुलरॉड कस्टमर केयर का जो भी सपोर्ट टीम है वहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप क्लिक, कट हो गया, ईमेल ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली मेरा जो है ईमेल सेंड हो गया फ्रेंड, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सेंड मिला के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो है ईमेल यहाँ पे सेंड हो गया है, मैंने जो भी सेंड किया था। तो कुछ इस तरह से सेंड हो जाएगा आपका भी, जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपका ईमेल तो उनकी तरह सेंड हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको जो है अपना ईमेल सेंड कर देना है और वेट करना है, आपको यहाँ पे चेक करते रहना है कि आपको कोई ईमेल तो नहीं आया है गुलरॉड एप्लीकेशन वालों की तरफ से। तो यहाँ पे चेक करते रहना, आपके पास कॉल भी आ सकती है तो आपका पैसा इस तरह से जो है 90% चांस है कि वापस आ जाएगा। सो फ्रेंड मैंने जैसे ही ईमेल किया यहाँ पे मेरे को एक ईमेल यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थैंक यू फॉर रीचिंग गुलरॉड सपोर्ट। तो यहाँ पे उनकी तरफ से तुरंत ही मैसेज आ गया है। तो यहाँ पे योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड इज इन बीइंग रिव्यूड बाय आवर सपोर्ट स्टाफ। तो यहाँ पे उनका मैसेज आ गया है कि आपका जो ईमेल रिसीव हो चुका है मुझे। तो यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2 वर्किंग डेज यहाँ पे लग सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी अगर अपडेट आता है तो आपको फिर से मेल कर दिया जाएगा या फिर आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। कोई सवाल या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप जो है इंस्टाग्राम पे सीखो तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हो।